चलो नेक्स्ट केव कौन सा है? नेक्स्ट केव है आपका जिसको हम बोलते हैं कनेरी केव, ठीक है ना। अब ये कनेरी कहाँ पे है? तो भाई ये भी आपका महाराष्ट्र में ही मुंबई के पास ये केव आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब मेन चीजें क्या याद रखना है आपको कनेरी केव से, भाई सबसे पहला ये सेकेंड लार्जेस्ट चैत्यगृह इन इंडिया है, ठीक है ना। पहला क्या बताया था मैंने आपको, कार्ले का बताया था। कार्ले में सबसे बड़ा चैत्यगृह देखने को मिलेगा। कार्ले में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक लायन पिलर होगा कहाँ पर, एंट्रेंस में। आपको इमेज भी दिखाई थी, सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी लायन पिलर आपको देखने को मिलेगा एट एंट्रेंस, ठीक है ना। एंट्रेंस में ही आपको लायन पिलर देखने को मिलेगा, सेम लाइक जैसे कि कार्ले में था, ठीक है ना। जैसे कि आपने कार्ले में पढ़ा था, ठीक है। वहीं पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस है ना, जो जिसके लिए जाना जाता है, वो है एक इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसको पोडी बोलते हैं, ठीक है ना। ये पोडीज है जहां पर रेन वाटर का जो भी पानी होता है उसको ये बेटर तरीके से बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर में उसको स्टोर करते थे, उसको रखते थे ताकि पानी की कमी ना हो इनको। और जो भी हो मतलब एंशियंट समय में सोचो, उस समय ये कितना इंपॉर्टेंस देते थे, समझा कि रेन का जो वाटर है उसको प्रॉपरली कलेक्ट करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे, उस चीजों पर ये कितना ज्यादा ध्यान देते थे, ये हमको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई ये आपका पौधी के लिए ये बहुत फेमस। दूसरा जिसके लिए ये सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है आपका कि सातवाहन जो डायनेस्टी थी उनके एक किंग थे जिनको बोलते थे सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। उनका नेम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इस केव में एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। उस इंस्क्रिप्शन में हमको ये जो सातवाहन किंग के बारे में मतलब जो है वो मेंशन हमको मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना आप, क्या ये जो फेमस सातवाहन किंग थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है ना, उनके बारे में मेंशन मिलता है यहाँ पर। एक इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में मेंशन है, ये याद रख लेना आप। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओडी भूलना मत। क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है कहाँ पर? कन्हेरी केव्स में। कन्हेरी केव्स कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र मुंबई के पास, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, अब ये जो चीजें हैं ये सब तो नॉर्मल पॉइंट है कि इमेजेस ऑफ बोथ स्टैंडिंग बुद्धा एंड सिटिंग बुद्धा, वो उसके अलावा बोधिसत्व के साथ वो इमेजेस आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमको विहार जो था जो कि क्या था, रेस्टिंग प्लेस होता है मॉन्क्स के लिए, उसको उसको रॉक कट सीट और बेंच बनाए गए थे, ठीक है ना। मतलब विहार देखने को मिलेगा, विहार में आपको रॉक कट सीट भी देखने को मिलती है, बेंचेस भी देखने को मिलते हैं। ये सब चीजें हैं, कुछ यूनिक फीचर है, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसका इमेज देख लेते हैं अपन, ठीक। ये देखो ये हमने क्या पढ़ा था, ये वाला देखा था, ये क्या था? ये कार्ले था, ठीक है ना। ये कार्ले है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कनेरी है, ठीक है ना। कनेरी ये सेकेंड लार्जेस्ट चैत्यगृह है, लॉयन पिलर है एंट्रेंस, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें भी एंट्रेंस, जब आप अंदर जाओगे तो देखो ये स्तूप रखा हुआ है, बगल में पिलर्स हैं, सेम स्ट्रक्चर है, दोनों को सेम तरीके से बनाया गया। और ये देखो ये आपका स्कल्पचर देखने को मिल रहा है, काहे के ये आपको देखने को मिल रहा है भगवान बुद्ध के, ठीक है ना। भगवान बुद्ध नहीं है, कुल मिला के ये क्या है, वो है बोधिसत्व है। और बाद में इसमें देखो इनिशियली जब ये बना था तो इसमें आपको ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अब ये थोड़ी है कि वो बन गया और उसपे दोबारा काम नहीं होगा। वो तो अब सेकेंड इनिशियली जब बना था तो उसमें तो नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों को मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध को पर्सोनिफाई कर दिया गया था, तो बाद में लेटर टाइम पे इनमें आपको ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन भी बनाए गए थे। किनके द्वारा? ये जो मर्चेंट्स और ये सब जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे ये लोग कंट्रीब्यूट करते थे, फिर बाद में लेटर स्टेजेस में हमको, इनिशियली जब बन रहा था तब तो हमको नहीं देखने को मिलेंगे, बट बाद में हमको ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जाएगा तो भाई ऐसा नहीं है कि सेकंड बीसी में बन गया है इसी तो अब वो आगे, एक बार बन गया तो आगे उस पर कोई काम नहीं होगा। भाई अलग अलग डायनेस्टी आती गई और उसमें काम करवाती गई, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। अब वही मैं बोलूँ आपको कहाँ ये आपका कन्हेरी के बीसी का है और कहाँ सातवाहन डायनेस्टी कब तक चली थी, है ना। तो भाई ये सब चीजें भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक। तो मेन जो फीचर्स है वो बता रहा हूँ, याद रख लेना। और ये चीजें यूनिक होती हैं, जैसे ये देखो ये है आपका, ये वाला पोर्शन देखो आप, है ना। ये है उधर का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये देखो आप, ये पानी यहाँ से इधर से कलेक्ट होता था, इधर पे जाता था, ये यहाँ से होकर के कलेक्ट होकर के नीचे जा करके कहीं पर रिचार्ज कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे, ठीक है ना। ये आपको स्कल्पचर देखने को मिल रहे हैं, ये स्कल्पचर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये सब जो स्कल्पचर बनाए गए होंगे
दिमाग लगा लेना, ये सब लेटर स्टेजेस में ऐड किए होंगे। इनिशियल स्टेजेस में तो भगवान बुद्ध को ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं था। ये सब कब किया गया होगा? ये सब किया गया होगा आपका लेटर स्टेजेस में, समझ गई बात? तो ये सब हमने कब किया होगा? लेटर स्टेजेस में ही ऐड किया होगा। हाउएवर हमको जो फीचर है वो तो हमको पता ही होना चाहिए, वो हमने देख ही लिया, ठीक है, कि ये काहे के लिए फेमस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ आपको भाज केव्स, ये भी पुणे के पास है। इसकी जो यूनिक फीचर वो क्या है, ये वुडन सीलिंग है। ये देखो इसका सीलिंग देखो, मतलब छत देखो, इसकी जो सीलिंग है उसमें देखो आपको ये वुडन देखने को मिलेगा, ये वुडन सीलिंग है ना। ये देखो आप, ये जो देखने को मिल रहा है आपको, ये देखो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये क्या है, पूरा ये लकड़ी से बना हुआ वुडन सीलिंग। अब ये देखो ये स्तूप है, ये काहे का है, ये तो पत्थर का ही है। ये पिलर्स है ना, ये पिलर्स लगे होंगे, देखो कॉमन है, ये पिलर आपको हमेशा देखने को मिलेंगे जितने भी केव आर्किटेक्चर आप पढ़ रहे हो उसमें, चैत्य ग्रह में, ठीक है ना। और यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा जाओगे तो स्पेस रहती है, घूम करके आप उधर से घूम के इधर आ सकते हो देख। ये वुडन सीलिंग के लिए बहुत फेमस है, ये देखो पूरा वुडन सीलिंग नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम भाज केव्स, ठीक है ना। तो हाँ, एक चीज और याद रख लेना है आपको, क्या कि भाई जो भी एंशियंट समय की फर्स्ट फेज की आपको मैंने बता रहा हूँ ना, ये जो फर्स्ट फेज का केव आर्किटेक्चर है, फेज फर्स्ट, उसमें बुद्धिज्म भी मैंने आपको बताया था, बुद्धिज्म है उसका डोमिनेंस देखने को मिलता है। और उसमें भी सिर्फ काहे का डोमिनेंस देखने को मिलेगा इनिशियली, आपको जो चलेगा वो है आपका जिसको हिनयान फेथ का है ना, हिनयान का, ठीक, हिनयान फेथ ही देखने को मिलता है। महायान कब देखने को मिलता है? जब ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन होने लगे ना भगवान बुद्ध का, तो समझ जाना वो महायान फेथ का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा। तो ये सब जो आपको केव्स देखने को मिल रही हैं फर्स्ट फेस की, उसमें आप आंख मूंद करके क्या मार दोगे, हिनयान फेथ है। लेकिन इस पर बाद में जब समय बढ़ता जाएगा तो उसमें आपको चालू जो देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में वो आपको क्या रहेगा, हिनयान। लेकिन टाइम बीतेगा और उसके साथ साथ आपको वहां पर महायान फेद के भी देखने को मिलेंगे। महायान फेद देखने को मिलेगा मतलब भगवान बुद्ध को हम काहे से रिप्रेजेंट करने लगेंगे, ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन करने लगेंगे। तो समझ जाओगे कि ये महा, हो सकता है एक केव में ही आपको हीनयान भी देखने को मिल रहा है, महायान भी देखने को मिल रहा है, समझ में आ गया, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना। लेकिन जो जिसके लिए जो मेजोरिटी ऑफ द फीचर है जिसके लिए वो जाना जाता है, वो फर्स्ट फेस की जो केव्स हैं वो काहे हैं, काहे की है, तो वो याद रखना हीनयान फेथ की, ठीक है ना। तो वही ये याद रख लेना, भाज केव्स क्या बताया मैंने, पुणे में है, हीनयान फेथ की है, वुडन सीलिंग है, चैत्यगृह के ऊपर मैंने आपको बताया है ना। स्तूपा में आप देखोगे तो ऊपर एक होल है काहे के लिए, वुडन अम्ब्रेला इंसर्ट करने के लिए। लेकिन ये देखो मैंने आपको दिखाया यहाँ, ये देखो अभी इसमें वुडन अम्ब्रेला नहीं है, निकला हुआ है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक होल होगा जहां से हम क्या कर सकेंगे, ये वुडन अम्ब्रेला ऐसे करके वुडन अम्ब्रेला लगा सके, समझ में आ गया। तो ये पूरा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, बट अभी इसमें वुडन अम्ब्रेला नहीं है, है ना। बस ये क्या देखने को मिल रहा है आपको, हर्मिका देखने को मिल रही है, ठीक है ना, हर्मिका देखने को मिल रही है और ये स्तूप देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में अपने रखना, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, स्तूप, ये होल है, वरंदा हैज वुडन रिलीफ, ये सब आप कोई काम की चीजें नहीं, इतना ज्यादा ध्यान मत देना। मेन भाज केव्स कहाँ पे है, काहे के लिए फेमस है, ये याद रख, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखना है, पांडवलेनी केव्स कहाँ है। ये जो पांडवलेनी केव्स है, ये जो आपका, ये भी हिनयान पीरियड को ही बिलोंग करती हैं, ये भी नासिक में ही देखने को मिलेगी, ये भी फर्स्ट सेंचुरी के आसपास ये बनी है। पांडुलेनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पांडुलेनी मतलब होता है ग्रुप ऑफ केव्स, यहाँ पर 24 बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट फेस है उसमें सारी की सारी आपको बुद्धिस्ट की केव्स देखने को मिलेगी। ये जो पांडुलेनी केव्स है, पांडु मतलब क्या होता है, पांडुलेनी मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ केव्स, तो ग्रुप ऑफ केव्स मतलब कुछ एक बहुत सारे केव्स का एक ग्रुप होगा। तो यहाँ पर 24 बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलती है जो कि कहाँ से रिलेटेड है, हिनयान फेथ से है। हिनयान फेथ है मतलब आप दिमाग में बचाओ, नो ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन, ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये पांडव लेनी का मतलब इसका कुछ लेना देना नहीं है पांडव से, पांडव मतलब जो महाभारत में जो कैरेक्टर है उनका इससे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर पांडव लेनी का मतलब है, होता है ग्रुप ऑफ केव्स, मतलब नासिक में एक 24 केव्स के आसपास का एक पूरा एरिया देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं पांडव लेनी केव्स,
ठीक है ना। यहाँ पर भी हमको गौतमी, जो गौतम पुत्र सतकर्णी की मदर है गौतमी बलश्री, ठीक है ना, उनका इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो वो गौतम पुत्र सतकर्णी के बारे में डिटेल मिलती है यहाँ पर, उनकी मदर है जो बलश्री, ठीक है ना, उनका मेंशन मिलता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इंस्क्रिप्शन में काहे का मेंशन है, गौतमी बलश्री का मेंशन होता है, वहां पर गौतमी पुत्र का ही मेंशन मिलता है, यहाँ पर उनकी मम्मी का मेंशन मेंशन मिलता है, जिनको बोलते हैं गौतमी बलश्री, ठीक है ना। ठीक, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने यहाँ पर फाइनेंस किया था, ये जो थर्ड नंबर की केव था उसको मतलब बनाए बनवा रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने फाइनेंस किया था, तो उससे रिलेटेड इसमें इस इंस्क्रिप्शन में उसका मेंशन है। मतलब समझ में आ रहा होगा कि सातवाहन का केव आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बता सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर एक महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब समझते हो, महापरिनिर्वाण मतलब होता है जब भगवान बुद्ध का डेथ होता है, ठीक है ना, तो उस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो एक पैनल है जिसमें ये पूरा भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कैसे होता है उसका पूरा डिपिक्शन बताया गया है, ठीक है ना। तो ये बस याद रख लो आप, ये याद रखना कि गौतमी पुत्र बलश्री ने जो कंट्रीब्यूशन किया था उसके इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलते हैं। हिनयान फेथ का है, पांडु लेनी का मतलब क्या होता है, ये बस याद रख लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में होना चाहिए। तो ये सब हमने क्या देख लिए, ये सब हमने एंशियंट समय में जो केव्स थे वो हमने देख लिए, ठीक है। अब ये उसके बाद जो आपका चालू होता है वो है आपका जिसको बोलते हैं हम अजंता केव्स। अब ये केव्स में एक ये जो फर्स्ट बीसी है वहां से चालू होता है, ठीक है ना, जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी था वहां से चालू होता है और फिफ्थ सेंचुरी तक ये हमको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर आपको फर्स्ट फेज भी देखने को मिल रहा है, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज भी आपको यहाँ पर साथ साथ को भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इनिशियली कहाँ से चालू होगा, तो ये हीनयान फेज से चालू होगा, जाएगा कहाँ तक, तो इसमें आपको महायान का भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, महायान फेज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अब याद रखना है आपको क्या है, आपको ये याद रखना है कि इसमें टोटल 29 केव है। कितनी केव है, तो टोटल 29 केव है, ये तो आप रट्टा मार ही लेना, अजंता एलोरा का आपको रट्टा मारना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 29 केव्स है जो कि दो फेसेस में बनी हुई है। मैंने आपको क्या बताया, एक हीनयान फेस फेस में और एक महायान फेस, ठीक है ना। हीनयान फेस में मतलब नो ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन, वहीं पर वहां पर क्या लिख दोगे, ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या लिखोगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये आपको मैंने डिटेल बताई है ये केव्स की, ये सब हम देखेंगे अभी क्या है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 29 केव्स मैंने आपको बताई है ना, इन 29 केव्स में पांच केव्स कैसे हैं, चैत्य ग्रह, ठीक है ना, और बाकी के सब क्या है, विहार है मतलब मोनास्ट्री है मतलब रेस्टिंग प्लेस, ठीक है ना। मतलब प्रेयर हॉल कितने हैं, तो पूरे 29 केव्स में, तो पूरे 29 केव्स में आपको प्रेयर हॉल जो देखने को मिलेंगे वो पांच देखने को मिलेगी। अब इसको ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको एक बार वो हंटिंग कर रहे थे टाइगर की, तो वो वहां पे घूम रहे थे, तब उनकी नजर पड़ी थी ये अजंता केव्स में, तब इसको मतलब डिस्कवर किया गया था। डिस्कवर क्या किया गया था, आप रीडिस्कवर बोलो तो ज्यादा अच्छा है, कि भाई वो अब उसमें उस एरिया में क्या हो गया था, केव्स बनाने के बाद अब वो इतना सब कुछ समय बीत गया, तो वहां पर लोगों का आना जाना बंद हो गया, कट ऑफ हो गया, तो लोगों को कुछ आइडिया नहीं था। बाद में एक बार जब ब्रिटिश ऑफिसर्स हंटिंग के लिए गए थे तो उनकी नजर पड़ी इस मतलब इस प्लेस पर, और उसके बाद उसको डिस्कवर कर लिया गया, फिर उसके बाद उसको मतलब आप समझो कि आज वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, ये सह्याद्री हिल है जो वहां पर आपको क्रिसेंट शेप का गॉर्ज देखने को मिलेगा, है ना, गॉर्ज वहां पर उसके साइड में इसको बनाया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे बनाया गया, तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो, अब समझो ऐसा कि मान लो ये आपका पहाड़ है, ठीक है ना, ये ऐसा है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। आप देखो इसको 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 कहाँ से काटा गया पता है आपको, इसको ऐसा काटा गया, देखो आप, इसको यहां से काटा गया है, ऐसा ऐसा काटा गया है, ऐसा, ठीक है ना, यहां से हमने काट दिया, यहां से जब हमने काट दिया तो ये वाला पोर्शन उड़ जाएगा, ये वाला पोर्शन बाहर कर दो, यहाँ पर आपको जगह मिल जाएगी, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर हमने फिर केव्स बना दिए। मतलब ये किस साइड में बनाया गया है, ये आपको बनाया गया क्लिफ साइड पे, ये हमारा क्लिफ है ना,
क्लिफ है ना, तो ये क्लिफ हो गया, ठीक है ना, क्लिफ साइड में हमने बनाया। तो इसीलिए हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, कोर्टयार्ड, मतलब ज्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर हमको कोर्टयार्ड देखने को नहीं मिलता, है ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, जो आपको बता रहा हूँ याद रख लेना ये, ठीक है ना। इसका शेप आप केव ऊपर से देखोगे ना तो आपको क्रीसेंट शेप नजर आएगा, क्रीसेंट शेप ऊपर से देखने पर, ठीक, क्रीसेंट शेप का नजर आता है। क्लिफ साइड में बनाया गया, क्लिफ समझते हो ना भाई, आप यहाँ पे खड़े हो, आप पहाड़ देख रहे हो, अचानक से जो आपका सामने एक अचानक से उठा हुआ ये देखने को मिलेगा, यहाँ से आप देखोगे तो हो सकता है आपको पहाड़ नहीं नजर आ रहा हो, यहाँ पे जब आप खड़े होगे नीचे देखोगे तब आपको लगेगा अरे मैं पहाड़ पे खड़ा था, लेकिन यहाँ से जब आप इसको देखोगे तो ये आपको खड़ी दीवार नजर आएगी, इसको बोलते हैं क्लिफ, ठीक है ना। तो इस क्लिफ मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये क्लिफ साइड है, ठीक है ना, ये क्लिफ साइड है। इस रीजन में हमने इसको कार्व करके, इसको काट करके हमने ये जो केव्स हैं उनका निर्माण किया, तो इसलिए हमको यहाँ पर ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है, हमको क्या देखने को नहीं मिलेगा, हमको कोर्टयार्ड देखने को नहीं मिलता है ना। ये लिखा है देखो, केव्स आर कार्व परपेंडिकुलर टू क्लिफ, हेंस नो कोर्टयार्ड। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्लिफ में बनाया गया है तो कोर्टयार्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्रीसेंट शेप का आपको दिखेगा, सह्याद्री हिल्स में इसको बनाया गया है, ठीक है ना, सह्याद्री जो रेंज है उसमें जो इनयाद्री हिल्स है। अब रेंज देखो, रेंज बहुत बड़ी होती है, मान लो ये रेंज है, ठीक है ना, ये रेंज है। अब इसमें छोटी छोटी दो चार हिल्स होती है, ठीक है ना, उसमें से जो ये येलो वाला जो है वो क्या बता रहा है, वो रेंज बताता है, वो रेंज बता रहा है मतलब सह्याद्री रेंज, ठीक है ना, सह्याद्री रेंज मतलब जो वेस्टर्न घाट वाला आपका पार्ट है वो वहां पर, लेकिन उसमें जो हिल है वो कौन सी है, इनयाद्री हिल, है ना, इनयाद्री हिल, उस हिल पर इसको बनाया गया है, ठीक है, तो इनयाद्री रेंज पर इसको बनाया गया, मतलब रेंज कौन सा है तो याद रख लो सह्याद्री रेंज है, हिल कौन सा है तो इनयाद्री हिल है, ठीक है ना। यहाँ पर इस केव में आपको तीनों चीज देखने को मिलेगी, देखो आर्किटेक्चर है मतलब केव आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, इसमें हमको पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है वो भी एक आर्ट है, और उसमें से आपको स्कल्पचर भी देखने को मिलते हैं जिसमें बोधिसत्वा और इन सब के स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पर तीनों आर्ट देखने को मिलता है हमको, आर्ट भी, आर्ट में मतलब स्कल्पचर भी देखने को मिलता है, पेंटिंग भी देखने को मिलती है, आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर केव आर्किटेक्चर का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल कोई है तो वो है आपका अजंता केव्स, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये यहाँ पर जो केव्स है ना वो कैसी है, बुद्धिस्ट केव्स है, और उनके अंदर जो थीम्स होंगे, जो थीम्स होंगे मतलब कि जो वहां पर आपको अलग अलग पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, स्कल्पचर देखने को मिलेंगी, वो सब किस चीज से रिलेटेड होती हैं, तो जाटक टेल से रिलेटेड होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अलग अलग जाटक टेल्स में जो भगवान बुद्ध के अलग अलग लाइफ के इवेंट है, प्रीवियस बर्थ के, उन सबको दिखाया जाता है, ठीक है ना। और अजंता केव्स कैसा है तो ये याद रख लेना कि एंटायरली बुद्धिस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर पूरे का पूरा बुद्धिस्ट ही डोमिनेंस है। वहीं पर एलोरा में आपको तीनों का डोमिनेंस देखने को मिलेगा, समझ गया, हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है और जैनिज्म भी है, लेकिन अजंता में आपको पूरे के पूरे बुद्धिस्ट ही देखने को मिलेगा, तो एंटायरली बुद्धिस्ट है, ये बात याद रख लो। क्रीसेंट शेप का याद रखो, क्लिफ साइड पे बनाया गया इसलिए कोर्टयार्ड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और वहीं पर आपको बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पर इसके बारे में हमको जो चाइनीज पिलग्रिम आए थे ना ह्यूनसांग, उन वो भी मेंशन करते हैं, है ना, अपनी किताब में। ऐसा तो नहीं पता चलता कि उन्होंने कभी यहाँ पर विजिट किया है, पर हाँ उनका मेंशन जरूर करते हैं वो अपने बुक में इस चीज का, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर कुछ केव्स हैं जो सातवाहन किंग के को एट्रीब्यूट किए गए हैं, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना, जैसे केव नंबर 9 और केव नंबर 10। अब ये सब नहीं पता होना चाहिए कि केव नंबर 9 है कि केव नंबर 10 है, बट इतना याद रख लेना कि सातवाहन किंग्स का कुछ ना कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है, इसी का एट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है कुछ केव्स, इतना पता रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो पेंटिंग्स बनी हुई है, पेंटिंग्स बनी हुई होने का मतलब होता है कौन सी पेंटिंग्स, तो याद रख लेना जो दीवार में पेंटिंग बनाई जाती है वो कौन सी कहलाती है, वो मुराल पेंटिंग कहलाती है। मुराल पेंटिंग जो होती है उसको, अब यहाँ पर यूनिक
एक स्टाइल होता है इस पेंटिंग बनाने का, जिसको बोलते हैं हम फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है? फ्रेस्को पेंटिंग एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, दीवार में पहले हम एक लाइम का प्लास्टर तैयार करते हैं, है ना, एक पूरा लाइम का प्लास्टर तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो ये फ्रेस्को हो सकता है, ये ड्राई फ्रेस्को हो सकता है, ये वेट फ्रेस्को हो सकता है ना, वेट फ्रेस्को भी हो सकता है, ड्राई फ्रेस्को होता है। वेट फ्रेस्को में क्या होता है, वो जो प्लास्टर हमने तैयार किया है उसको गीला ही रहता तभी हम पेंटिंग करने लगते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो जो पिगमेंट्स है अंदर तक जाए, अंदर तक फैल जाए, ठीक है ना। वहीं पर ड्राई, जो ड्राई वाला फ्रेस्को होता है उसमें पहले हम वेट करते हैं प्लास्टर पूरा सूख जाए, फिर उसके बाद हम उस पर पेंटिंग करें, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। तो वाटर को हम कैसे यूज कर रहे हैं वेट वेट फ्रेस्को में? वेट फ्रेस्को में हम वाटर को एज अ व्हीकल यूज करते हैं ताकि वो पिगमेंट को अंदर तक पेनिट्रेट कर दे और ज्यादा हमको जो मतलब ब्राइटनेस है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा देखने को मिले, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना कि ये फ्रेस्को पेंटिंग्स के यूज करके म्यूरल पेंटिंग किया जाता था, ठीक है ना। वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब पेंटिंग तो खैर अपन ये फ्रेस्को ड्राई और ये वेट बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं कब, जब हम पेंटिंग चालू करेंगे, बट अभी अभी मोटा मोटा याद रखो कि यहाँ पर म्यूराल पेंटिंग की जाती है। म्यूराल पेंटिंग मतलब वॉल पेंटिंग है, उसमें फ्रेस्को पेंटिंग फ्रेस्को टेक्निक का यूज किया जाता है जिसमें पहले प्लास्टर तैयार किया जाता है और दीवार में प्लास्टर तैयार किया जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये अजंता जो केव्स हैं उसके बारे में सारे फीचर आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखना, ये पेंटिंग्स हैं, देखो ये पेंटिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ पे पेंटिंग देखो आप, पद्म पाणि है, म्यूराल पेंटिंग है, फ्लाइंग अप्सरा की पेंटिंग है। आप विश्वास नहीं मानोगे कि आज इतने हजारों साल के बाद भी इस पेंटिंग में आप देखोगे ना तो इसकी जो कलर देख करके आप बोलोगे कि यार मतलब ये क्या है, ठीक है, मतलब कितना, मतलब आज आपके घर का पेंट जो होता है वो हर दिवाली में लगाना पड़ता है, ठीक है ना, कि भाई उड़ जाता है, ठीक है ना। इंसान आजकल देखो इतनी इतना सोफिस्टिकेटेड हाईटेक होने के बाद भी हम जो पेंटिंग्स वगैरह करते हैं फेड आउट हो जाती हैं वो, ये लोग सोचो कितने हजारों साल पहले ये सब किए और आज भी उसको देखोगे, हाँ बहुत सारा वो चला गया है, कलर उड़ गया है, बट फिर भी अजंता में जाकर के आप जब देखोगे ना आज भी इतना ब्राइट है वो, इतना शानदार दिखता है कि मतलब आप देख करके फ्लैट हो जाओ, ठीक है। तो ये केव्स हैं, देखो ये ढाल में, ये जो पहाड़ का ढाल होता है उस साइड बनाई गई है, इसलिए देखो आपको ज्यादा स्पेसेस नहीं देखने को मिल रहा है ना, कोर्टयार्ड देखने को नहीं मिल रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है खड़ी दीवार पर बनाया गया है उसे, ठीक। पानी देखो गिर रहा है झरने में, ठीक है ना, इतना ऐसे बनाया गया, ये देखो यहाँ पे देखो ये पानी गिर रहा है, ये देखो खड़ी दीवार पर, ये देखो ऐसा बनाया गया, ये पहाड़ ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा रहा होगा, ऐसा ऐसा, तो इस वाले रीजन में हमने यहाँ पे बनाया हुआ है देखो, ठीक है ना। ये देखो खड़ी दीवार है, ये देखो ना यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोर्शन कैसा दिख रहा है आप, खड़ी दीवार टाइप का नहीं दिख रहा है, क्लिफ में बनाया गया, ठीक है ना। तो ये याद रखना ना कि क्लिफ में बनाया गया है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। मैं आपको इसका कुछ और भी एग्जाम्पल वो दिखा देता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अजंता, अजंता केव्स प्लान, यहां पे देखो आप, ये देखो ये आपको क्रिसेंट शेप का नजर आ रहा है, देख रहे हो, क्रिसेंट शेप मतलब ऊपर से देखो चांद सा आकृति आपको नजर आ रही है ना, और देखो ढाल की तरफ बनाया गया है ना, ढाल की तरफ बनाया गया मतलब क्या है, वो मैंने बताया क्लिफ साइड में बनाया गया, इसलिए आपको कोर्टयार्ड, वहीं पर जब मैं अजंता एलोरा की बात करूंगा ना तो एलोरा में आपको उसकी तरफ देखने को मिलेगा कि भाई वो आपका क्लिफ साइड नहीं बना है, वो आपका उस साइड अदर साइड बना है, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण उसमें आपको बेटर कोर्टयार्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, वहां पर अच्छे कोर्टयार्ड हमको नजर आते हैं, क्लियर है। तो ये देखो आपको ये मैंने बता दिया, आपको ये ऊपर से आप देखोगे ना तो आपको ये देखो क्लिफ साइड में बना हुआ है, इसलिए ज्यादा कोर्टयार्ड देखने को नहीं मिलते हैं आपको, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है ना, ज्यादा ये वाला जो पोर्शन है वो आपको मैंने दिखा दी, ठीक है ना। और कुछ इमेजेस देख लो आप, ये
ये है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है ना, क्रीसेंट शेप। ठीक है, ये देखो क्रीसेंट शेप। ये है, ये एलोरा पे आ गए अपन। खैर आएंगे इन सब पे, सारे इमेज देखेंगे, बस एक बार वो मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसा क्या केव होता है। इसमें देखो और अच्छे तरीके से समझ, अलग ही समझ में आ रहा कि ढाल की तरह बनाया गया, इसलिए आपको कोर्टयार्ड देखने को नहीं मिलेगा। बार बार बोल रहा हूँ जो चीजें वो याद रखना। शेप देखो एकदम क्रीसेंट शेप का नजर आ रहा है, समझ में आ गया, क्रीसेंट शेप के केव्स हैं। ठीक है ना, टोटल कितने केव्स हैं, रट्टा मारना है आप। ठीक है ना, कि भाई इतने केव्स हैं। और ये भी याद रखना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है ना, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सातवाहन किंग का भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसी समय आपको गुप्तास का भी, यहाँ पे गुप्तास पीरियड में ही सबसे ज्यादा ये केव्स बने हुए हैं, लेकिन गुप्तास का कुछ एविडेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है कि गुप्तास के कुछ राजाओं ने पेट्रोनाइज किया था, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ये जो केव्स हैं वो तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए हमको उनका वहां से हमको ज्यादा एविडेंस देखने को नहीं मिलते, ज्यादा इंस्क्रिप्शन नहीं देखने को मिलते, जहाँ पर जो गुप्तास किंग है उनके नाम हमको यहाँ पर नजर आए, है ना। वहीं पर ऑन द अदर हैंड सातवाहन किंग का हमको मेंशन जरूर मिलता है, सातवाहन किंग्स का, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पेट्रोनाइज किया था इस केव्स। ठीक है ना, तो जो भी चीजें हैं मेन मेन चीजें वो मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है ना, कौन से हिल पे है, क्या है ये जनता केव्स, क्या है, काहे के लिए फेमस है, एंटायरली बुद्धिस्ट है, ये याद रख लेना बस। ठीक है ना, वहीं पर जब हम बात करेंगे उसकी, किसकी, कि वो वाले की, एलोरा की, तो वहां पर हम देखेंगे कि भाई दूसरा चीज है। खैर आ जाते हैं जल्दी फटाक से, इस पे आ जाओ, एलोरा पे आ जाते हैं। एलोरा केव्स क्या है, ये भी आपका, ये कहाँ देखने को मिलती है आपकी, औरंगाबाद। ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, ठीक है, ये भी औरंगाबाद में देखने को मिलती है एलोरा। ये भी, ये थोड़ा सा अजंता जो है ना, थोड़ा सा पहले का पीरियड है। ये आपको मैंने क्या बताया, ये 5th सेंचुरी से 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी के आसपास तक बना है, मतलब ये थर्ड फेज का होगा। थर्ड फेज का होगा तो समझ गए ना, थर्ड फेज का है तो यहाँ पर तीनों डोमिनेंस दिखेगा, थ्री रिलीजन का, है ना, थ्री रिलीजन का। तो वही चीज यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर टोटल 34 केव्स है। ठीक है ना, 34 केव्स है। ठीक है ना, जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो 1 से लेकर के 12 तक है वो बुद्धिस्ट केव्स है। ठीक है ना, और जो 13 से लेकर के 29 तक की केव्स है वो आपको हिंदू केव देखने को मिलेगी, और जो आपका 30 से 34 की नंबर है वो कहाँ से देखने को मिलेगी, वो आपको जैन देखने को मिलेगी। मतलब अगर मैं पूछूँ सबसे ज्यादा काहे की केव्स है तो हिंदू केव्स है, हिंदू के बाद किसकी केव्स है तो 12 केव्स काहे की है, बुद्धिस्ट की केव्स है, वहीं पर 5 केव्स काहे की है, जैन की है। मतलब यहाँ पर जो रिलीजियस थीम्स देखने को मिलेंगी वो रिलीजियस जो है तीनों का डोमिनेंस देखने को मिलेगा, है ना भाई। हिंदुइज्म के भी देखने को मिल रही है, जैनिज्म भी देखने को मिल रहा है, और बुद्धिज्म भी देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर भी तीनों आर्ट देखने को मिलते हैं, मतलब आर्किटेक्चर, मतलब केव आर्किटेक्चर तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ स्कल्पचर भी देखने को मिल रहे हैं, पेंटिंग्स भी देखने को मिल रही है। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर कन्फ्लुएंस ऑफ मेनी स्टाइल एट वन प्लेस देखने को मिल रहा है, वही बात बता दी मैंने आपको, इसी को बोलते हैं कि भाई ये स्टाइलिस्टिक एक्लेक्टिज्म है। ठीक है, अब ये सब वर्ड वगैरह पे आप नहीं ध्यान दो, बस ये याद रखो मोटा मोटा कि हाँ यहाँ पे कन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, सारे ही आपको वो देखने को मिलेंगे, सारे ही मतलब जो भी इंपॉर्टेंट आर्ट है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, जो अब हाँ यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट केव्स है वो वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड। मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के बुद्धिज्म होते हैं, महायान, हीनयान, वज्रयान। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो ज्यादा इमेज देखने को मिलेगी वो काहे की देखने को मिलेगी, वज्रयान बुद्धिज्म की। ठीक है ना, वज्रयान के साथ साथ आपको महायान ट्रेडिशन भी देखने को मिलेगा, बट ज्यादा कौन सा देखने को मिल रहा है तो ज्यादातर हमको वज्रयान बुद्धिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, बुद्धिस्ट केव होते हैं जो वो बहुत बड़े बड़े साइज के देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट यहाँ पर डबल और ट्रिपल स्टोरी के केव्स देखने को मिलेंगे, ये हमने वहां नहीं देखा था। वहां पर हमको ट्रिपल स्टोरी का कभी नहीं सुना हम लोगों ने, कि अजंता वाले में, है ना, यहाँ पर डबल एंड ट्रिपल स्टोरी के देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो अजंता, अजंता में डबल स्टोरी देखने को मिलते हैं बट ट्रिपल स्टोरी नहीं है। अजंता ट्रिपल स्टोरी यूनिक काहे का है, इसी का ही। ठीक है ना,
डबल स्टोरी याद रखना है कि अजंता में भी डबल स्टोरी है, मैंने आपको इमेज दिखाई है, ठीक है ना, दो स्टोरी की बनाई गई है, लेकिन ट्रिपल स्टोरी वहां नहीं है, बट एलोरा में तो आपको ट्रिपल स्टोरीज की भी देखने को मिलेंगी, समझ में, तीन तीन मंजिला केव्स हमको देखने को मिलती है, कहां पर, ये वाले केस में, ठीक है ना, एलोरा में, ठीक। देखो अजंता ऑल्सो हैज एक्सकवेटेड डबल स्टोरी केव्स, बट एलोरा हैड ट्रिपल स्टोरी विच इज अ यूनिक अचीवमेंट, ठीक है ना, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आप याद रखें, ठीक। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि एलोरा केव टेम्पल्स कहाँ पे बनाए हैं, स्लोपिंग साइड ऑफ द हिल में बनाए, ये इस साइड बनाया गया, इस साइड कार्व करके बनाया गया, तो देखो इस साइड जब आप काट करके बनाओगे तो आपके पास बहुत स्पेस होगी ना, देखो कितना स्पेस है, तो मतलब आपके पास कोर्टयार्ड देखने को मिलेगा, हाँ तो कोर्टयार्ड हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको कोर्टयार्ड देखने को मिलेगा, देख लो यहाँ, एलोरा केव्स कार्व्ड आउट स्लोपिंग हिल, हेंस मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स हैव कोर्टयार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यही दोनों में डिफरेंस है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कंपेयर करने का दोनों में, अजंता और एलोरा में, तो याद रखना वो एंटायरली बुद्धिस्ट है, ये तीनों है, समझ में, कॉमन क्या है दोनों में कि तीनों फॉर्म ऑफ आर्ट देखने को मिल रहा है, डिफरेंस क्या है, वो क्लिफ साइड पे बना है, ये स्लोप साइड पे बना है, वहां पर कोर्टयार्ड नहीं देखने को मिलते, यहाँ पर कोर्टयार्ड देखने को मिलते हैं, समझ में गया ना, वहां पर डिफरेंस है 29 केव्स है, यहाँ पर 34 केव्स है, यहाँ पर तीनों तीनों आर्ट भी देखने को मिल रहा है, तीनों रिलीजन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए जाना जाता है वो है आपका केव नंबर 16, रॉक कट जिसको बोलते हैं कैलाश नाथ टेम्पल भी बोलते हैं और कैलाश लेनी भी बोलते हैं, ठीक है ना, कैलाश लेनी या फिर कैलाश नाथ टेम्पल, कैलाश नाथ टेम्पल। अब ये जो टेम्पल है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल है, ये बात आपको पता होना चाहिए, सिर्फ टेम्पल ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है ये, समझना क्या मतलब, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक पत्थर से तराशा गया, एक पत्थर को काट करके तैयार किया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना, ये टेम्पल है कैलाश नाथ टेम्पल, ठीक है ना, राष्ट्रकूट के द्वारा इसको बनाया गया था, राजकोट किंगडम जो थे उन्होंने इनको पेट्रोनाइज किया था, शायद मेरे को नाम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कृष्णा थर्ड थे, बट फिर भी हम चेक कर लेंगे इसको कि कौन थे, ये कृष्णा थर्ड ही थे जहां तक मेरे को पता है, फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे अभी, ठीक है, कृष्णा थर्ड ने इसको बनवाया था ये, मतलब अब ये एक साल में नहीं बना है, ठीक है ना, मतलब कृष्णा थर्ड का ही नाम नहीं बोल सकते आप, बट मतलब उन्होंने पेट्रोनाइज किया था इतना आपको पता है, उन्हीं के समय में ये सब चीजें ज्यादातर काम हुआ था और चालू हुआ था, लेकिन अभी एक साल का नहीं है, इसको बनने में बहुत साल लगते हैं, ठीक है ना, सालों मतलब सैकड़ों साल लगते हैं तब जाकर के टेम्पल तैयार हो, ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसके टेम्पल के बारे में, बहुत खास बात बताता हूँ, ठीक है ना, आपने देखा होगा, मान लो ये आपका पहाड़ है, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि मान लो हम आमतौर पर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, पहले नीचे तैयार करते हैं, फिर ऊपर का उसका तैयार करेंगे, फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे और फाइनली ये मतलब नीचे से ऊपर जाकर के हम तैयार करते हैं, ये जो टेम्पल बनाई गई है ना ये ऊपर से बनाई गई है, मतलब पहले शिखर बनाई गई होगी, शिखर बनाने के बाद ये बनाया गया होगा, उसका जो ये पहले कलश बनाया गया होगा, है ना, कलश के बाद ये शिखर बनाया गया होगा, शिखर के बाद ये टेम्पल कार्व आउट किया गया होगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये सीढ़ियां कार्व आउट किए गए, मतलब ऊपर से नीचे इसको बनाया गया, ये इसका यूनिक फीचर, समझ में आया, यहाँ पे टॉप टॉप से डाउन आया गया, मतलब सोचो क्या, मतलब आप कैसे कितना मतलब इंजीनियरिंग स्किल चाहिए होगी, कितना दिमाग लगाया गया होगा, ऊपर से आपको पता नहीं पत्थर कहाँ तक नीचे जाएगा, है ना, कितना वो जाएगा, ऊपर से काट काट करके इसको बनाया गया, तो ये बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलूं, मतलब उनका किस हिसाब से उनको आप अप्रिशिएट करोगे, समझोगे उनके स्किल्स को, ठीक है, खैर जो भी हो अपन देख लेते हैं, ये है देखो, ठीक है, ये है, यहाँ पे देखो आपको अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है, कोर्टयार्ड देखने को मिल रहा है ना, ये कोर्टयार्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो अच्छी खासी स्पेस है, कोर्टयार्ड देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर ये है कैलाश नाथ टेम्पल, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ इसमें,
ये देखो, यहां पे देखो आप, ये देख रहे हो आप, इस इमेज को देखो। अब जैसे ये टेम्पल है जिसकी मैं बात कर रहा था, आप वो इमेज छोड़ करके सारी इमेज दिख रही है, ये देखो आपको अलग ही समझ में आएगा कि पहले उस स्पेस को काटा गया है, समझ में आ गया, उस स्पेस को काटा गया है, फिर जाकर के टेम्पल तैयार किया गया, वो भी ऊपर से नीचे तक। ये कैलाशनाथ है, ठीक है ना, ये कैलाशनाथ टेम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको देखो आप, ठीक है, पहले इसको काटा गया है। यहाँ पे एक और इमेज ये देखो, यहाँ ये देखो अलग ही आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से ऊपर से पहले काटा गया है इसको साइड से, और स्लोप देखो कितना, मतलब सामने देखो कितना स्पेस है, यहाँ पे कोर्टयार्ड नजर आएगा, काफी स्पेस। अब इसको पहले कार्व आउट किया गया है इस टेम्पल को, और फिर उसके बाद इस टेम्पल को बनाया गया है। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, राजपूत किंगडम के द्वारा इसको पेट्रोनाइज किया गया था। अब मैं इसका आपको सामने से दिखाता हूँ कैसे दिखती है कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है ना। ये है देखो, ये पिलर है, देखो यहाँ सामने आप, ये देखो, ये है सामने से, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, कितने छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं आप सामने, देखो आप, ये पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। सामने ये पिलर रखा हुआ है, और ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, तो नाम से ही आपको समझ में आएगा, भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है ये टेम्पल। इनफैक्ट वो जो फीचर है आपको बता दिया, ऊपर से कार्व आउट करके इसको पहले पूरा काटा गया है, फिर ऊपर से इसको नीचे लेके आया गया है, फिर बाकी सारी चीजें इसको तैयार किया गया, समझ में आ गया ना। तो ये जो पॉइंट था ये मैंने आपको समझा दिया कि हाँ भाई, ये जो फीचर है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, उसमें ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो कैलाशनाथ टेम्पल जो था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो एलोरा टेम्पल्स हैं, एलोरा केव्स, इसमें आ क्यों नहीं रहा, बस कैलाशनाथ का ही टेम्पल आ रहा है, ठीक है, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। बाकी चीजें आपको मैं बाद में दिखा दूंगा कोई इसमें।